भाई ये देखो कितना ज्यादा गंदा हुआ हुआ है एक्वेरियम, ये देख रहे हो मिश्रिया निकालते हुए। मिश्रिया का है ये, ओए मेरे पे क्यों मार रहा है भाई जी? आला डलता है ये तरह का, ये तो मच्छी के लिए नमक होता है। मच्छी है न्यू फिशेज, हमारे न्यू फ्रेंड्स आ चुके हैं भाई। हाँ तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपका अपना GDX। तो भाइयों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ आई क्लीन माय फिश टैंक। हाँ स्टाइलिश पर विकास बनाएगा पूरी वीडियो, ये मैं एंड में बताने वाला था लेकिन अपनी थूत ने पहले दिखा दिया है तो कोई नहीं। तो गाइस जो मेरा फिश टैंक है बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब गंदा हो गया बहुत ज्यादा। तो मैं आज पूरा फिश टैंक अपना क्लीन करने वाला हूँ और उसके बाद मैं लेकर आने वाला हूँ नई फिशेज और उसमें डालूंगा और पूरा सीन आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, पूरा सीन क्या होने वाला है। गाइस ये देखो कितना ज्यादा गंदा हुआ हुआ है एक्वेरियम, ये देख रहे हो क्या बहुत ज्यादा गंदा हुआ हुआ है। ये देखो हालत इसकी, यहाँ घर पे तो कोई साफ करेगा नहीं तो सारे काम तुम्हारे भाई GDX को ही करने पड़ते हैं। ये देखो ओ चिल्ला रहे बेचारे, हाँ तो भाई सारे काम GDX करता है तो अब यहाँ तो कोई करने नहीं वाला एक्वेरियम साफ, तो मुझे करना पड़ेगा पूरा ये साफ। ठीक है देखो क्या, और इसमें बस भाई एक ही फिश बची है हमारी, बाकी एक बड़ी मच्छी थी जिसने सारा कुछ सारी मच्छियाँ खा गई, वो तो एक ही गोल्ड फिश दिख जाएगी आपको इसके अंदर, गोल्ड गोल्ड इसके अंदर होगी। ये एक ही गोल्ड फिश बची है गाइस, तो इसको साफ करके इसके साथ ही आते ही लाएंगे सारे और इसका भी पूरा सीन दिखाएंगे भाई। गाइस ये ना इसका फिल्टर होता है फिश का, तो फिश के फिल्टर को भी हम साफ करेंगे। देखो इसके अंदर ये फिश के फिल्टर ऐसा साफ करना पड़ता है, दिखा दो आप लोगों को पता ना हो तो, इसका जो ये स्पंज निकालना पड़ता है स्पंज, ये पूरा गंदा होता है इसको साफ करना पड़ता है पानी से। उसके बाद ये मोटर लगी है ना इसमें, देखो गाइस ये वही लगी हुई मोटर, ये मोटर इसमें लग जाती है फिर ये घूमना शुरू हो जाता है पानी फिल्टर करता है और ये यहाँ से ये ग्लास के ऊपर चिपक जाता है। तो भाई सीन क्या है इसमें, तो देखो मैंने फ्रेश वाटर निकाल दिया है, लेकिन कभी भी एक बात ध्यान रखना भाई, फिश अपनी निकालो ना फ्रेश वाटर में मत निकालना एकदम से, क्योंकि मर जाएगी वो। क्यों गंदा पानी में लेती हो? ये अपना गंदा पानी इसमें डालना पड़ेगा हमें थोड़ा थोड़ा, वरना मर जाएगी। और इसमें दवाई डालती है और नमक डालता है वो, तो चल बाद में डाल। ऐसा क्यों? हाँ मर जाएगी एकदम से, फ्रेश में डालेंगे मर जाएगी, माहौल में रह नहीं पाती ना एकदम से। गंदगी है मतलब फिश में? नहीं गंदगी नहीं है वो भाई, माहौल वो है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें गंदा पानी गाइस मिलाऊंगा। तो गाइस हीटर का क्या सीन है, ठंड में चाहिए होता है मच्छियों को भी हीटर, क्योंकि ठंड से मच्छियां मर जाती है, तो भाई ये बात हमेशा ध्यान रखना। पत्थर आ जाएंगे बाहर भाई, ये पत्थर है इसके पत्थर, ये पत्थर अब सफाई करने पड़ेंगे, मैं पूरे गंदे हो रहे पत्थर हो रहे हैं। मिश्रिया निकालते हुए, मिश्रिया का है ये, अबे तू किस किस का हो रहे थे आले मिश्री, आएगा भाई मिश्री। गाइस आप धुल रहे हैं पौधे जो कि है प्लास्टिक के, आपको लग रहे हैं देखो कितने गंदे हो रहे हैं, मुझे इसको ढंग से साफ करना पड़ेगा भाई, मतलब पूरा ढंग से साफ करना पड़ेगा इसको। एक बार एक किस्सा होता हमारे साथ, समीर नहीं है तुम्हें जाता है, समीर बनता है, तो उसका एक दोस्त से भैंस हो गई थी बंदे से नेपाली, आकाश नाम है उसका, नेपाली बोलना हमारा बचपन का है। तो ना उसके बाद वो क्या ना समीर को गाली दे रहा था, तो समीर कहा गाली ना दे, अगर मुझे गाली देगा तो मैं तेरे जीभ जुबान दे दूंगा। तो अब तो ना वो कह रहा अच्छा बेटा खींच के दिखाई, उन्होंने कर दिया समीर ने जुबान खुद दी उसकी, वाह सीन हो गया था बहुत बड़ा। ओए मेरे पे क्यों मार रहा है? नहन के आया हूँ, नहन के तो लाया ही था यार।
मेरे को तो देख निरा वीडियो में भी नहीं दिख रहा। जिम में होता क्या होता है, जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज मार रहा है तो मुझे लाइन मैंने भेजा करा जाओ सर तेरा काम है सर डाक के आओ मेरे को हटना जगह दे रहा। तो भाई भाई हो गया भाई आपका सेट। ओ उसको पता नहीं क्यों हो गया तुमसे, क्यों हम हट के बोलते ना मैं जो करा लास्ट है मेरे को भी भाई डरा क्यों रहा है फिर उसके नानू भाई गए मैंने आ जा ए ए तेरा क्या हुआ भाई कितना है सेट तेरा भाई लास्ट सेट चल जल्दी मार जल्दी फटाफट ये देख रहा है ये देखो यही है वो बिग बॉस। बिग बॉस अभी तुम्हें देख रहे मासूम सी लग रही है ये, बट जब अपने उसमें चंडाल रूप में आती है चप्पलें पड़ती है फिर तेरे को चप्पलें तो नहीं मारती मैं उसको पूछ ले क्या कर रहा है सीधा सैंडल लिया ही मारे चप्पल पेंट हो रखा है लेके कैसे जाएगा भाई जी आला डलता है ये एक तरह का मच्छी के लिए नमक होता है मच्छी की दवाई ये मच्छी का ड्रॉप ये मच्छी का ड्रॉप पानी से ऐसी मच्छी डाल लेंगे तो मर जाएगी वो तो इसलिए ये वाला हमें डालना पड़ेगा ड्रॉप मच्छी का कितना कब बूंद होता है दो चार बूंद डालते हैं अच्छा हाँ वो क्यों बेच रहे होते तो ये नीला नीला पड़ा होता था बहुत सारा ये मैंने कब से संभाल के रखा है चार बूंद हाँ बस काफी है जिंदगी की डाल रहा इसमें दवाई डाल गई है ना इसमें डालूं और पानी और डाल गई 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 बस डालना पड़ेगा थोड़ा पानी बा 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 मिट्टी का रह गया गाइस ये हीटर ऑन हो गया इसका ये रहा हीटर ये पानी पूरा गर्म करेगा और ये इसका फिल्टर है पूरा पानी को लेके जितना भी ये सब वाला गंद वगैरह करती है मच्छी उसको फिल्टर करता रहता है। अभी इसमें एक मच्छी अब इसकी सारी फ्रेंड मैं लेने जाने वाला हूँ विकास के साथ तो जाएंगे अपनी फिश वाली शॉप पे पापड़ फिश भी लियो पापड़ फिश पापड़ बना खाओगे उसका पापड़ फिश भी होती है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस हम लोग आ गए फिश की शॉप पे और यहाँ से हम फिश बाय करने वाले हैं और इससे पहले भी गाइस मैं शॉप की वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो देखी नहीं होगी तो आई आइकन में वो वीडियो आ जाएगी। तो अभी फिश खरीदते हैं यहाँ से फिर फटाफट उसको एक्वेरियम में डालेंगे अपने ठीक है। तो भाई आ चुकी है न्यू फिशेस हमारे न्यू फ्रेंड्स आ चुके हैं भाई येरी दो गोल्ड फिश है गाइस इसमें और दो इसमें सिल्वर फिश हाँ मल्टी कलर गोल्ड गाइस वो जिस शॉप पे मैं गया था उस शॉप की वीडियो मैं पूरी बना चुका हूँ फिशेस के ऊपर वहाँ मिलती है चीपेस्ट फिशेस इन दिल्ली जो कि आई आइकन में वो वीडियो आ जाएगी सबसे सस्ती मिली है गाइस ये चार फिशेस मुझे पड़ी है 80 रुपए की 20 रुपए पर पीस ना विकास हाँ। तो गाइस अब मैं इसे डालने जा रहा हूँ पहले उन्होंने बोला इसे 5 मिनट पहले ऐसे डाल के रखना है ऐसे करके डाल के रखना है 5 मिनट तक बोला ऐसे डाल के रखना है वो देख रही है कि हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे पहले माहौल चेक करेंगे ना विकास से देख वरना मर जाएंगी ऐसे माहौल देख माहौल बन रहा है इनका भी वो भी आ जाए बेचारी फाइनली इसको दोस्त मिल गया जूम करके दे गई ये देखो गाइस फाइनली इसको दोस्त मिल गया है बेचारी कब से अकेली थी अब ये इसके दोस्त आ गए पहले 5 मिनट तो पन्नी में डालना है ने। पहले तुमने देखा कितना गंदा हो रहा था एक्वेरियम और अब देखो कितना साफ एक्वेरियम हो रहा है ये देखो अब ये नई फिशेज आ गई है पुरानी वाली फिशेज इसका कलर उड़ा हुआ है क्योंकि पुरानी हो रही है और ये देखो नई नई फिशेज गोल्ड दो लाया हूँ मैं दो गोल्ड फिशेस लाया हूँ दो मल्टी कलर लाया हूँ देखो कितना साफ है हीटर और सब बढ़िया हो गया बढ़िया मामला हो गया इनका तो भाई ऐसे करते हैं पूरा एक्वेरियम साफ ठीक है भाई गाइज ये थी आज की वीडियो ऑफ GDX व्लॉग्स मुझे पता है ये एक लाइफस्टाइल वीडियो थी तो होपफुली आप
ज्यादा बोर ना हुए हो, और ये कैमरामैन था स्टाइलिश बॉय विकास। तो भाई आज की जो पूरी वीडियो थी वो फिशेस के ऊपर थी। टैंक मैं पूरा साफ करा, सब कुछ आपको दिखाया, फिर मैं फिश लेने गया, सारी चीजें इसके ऊपर मेरे वीडियो पर आ चुके हैं। चीपेस्ट फिश कहाँ मिलती है पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, और ये मेरा नीचे वाला रूम है, ऊपर वाला रूम नहीं है, इसलिए इस नीचे वाले रूम में एक्वेरियम लगा हुआ वाला। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जीडीएक्स व्लॉग्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, और नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। पहली बार मेरी बकबक सुन रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो जीडीएक्स लाता रहता है भाई। और फटाफट 5K सब्सक्राइबर करवाओ भाई, जीडीएक्स आर्मी 5K करनी है, 5K आग लगानी है, आग, ठीक है। तो भाई मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जीडीएक्स साइनिंग ऑफ।